हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, लास्ट वन ईयर से मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसका मेन रीज़न ये है कि मैं अपने पीएचडी वर्क में काफ़ी बिजी था, पर अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो मैं कुछ वीडियोज अपलोड करूँगा आप लोगों के बेनिफिट के लिए। तो मेरा मेन मोटो ये है कि मैं इस लॉकडाउन पीरियड में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बीएचयू एमएससी फिजिक्स का वो सॉल्व करा दूँ। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैंने बीएचयू 2009 का फिजिक्स का पेपर लिया हुआ है और उसके इनिशियल के कुछ प्रॉब्लम लिए हुए हैं जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रॉब्लम हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विजिकर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला डजंट इंक्लूड। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? पेयरिंग एनर्जी हम जानते हैं इंक्लूड होता है, मैगसिटी एनर्जी ये इंक्लूड नहीं होता है, कोलंबिक एनर्जी भी होती है और एसिमेट्रिक एनर्जी भी होती है। सो मैगसिटी एनर्जी इज द राइट ऑप्शन विच डजंट इंक्लूड इन सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसिलेटेड बाई द साइक्लोट्रॉन टू एक्वायर वेरी हाई एनर्जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। वी नोट साइक्लोट्रॉन इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन एसिलेट पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो इट कैन नॉट एसिलेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेरी लेस मास। सो ऑप्शन वन, इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियर सेल मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन। न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? पहला, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज सेल न्यूक्लियाई, इसको एक्सप्लेन किया था न्यूक्लियर सेल मॉडल ने। सेकेंड, स्पिन एंड पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियन ग्राउंड स्टेट, ये भी एक्सप्लेन हुआ था। थर्ड, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, न्यूक्लियर सेल मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। आगे बढ़ते हैं। गीगर न्यूटन लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन। गीगर न्यूटन लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन। पहला है एनर्जी एंड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, रॉन्ग। हाफ लाइफ एंड डिके कॉन्स्टेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऑल्सो रॉन्ग। हाफ लाइफ एंड एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ, हाफ लाइफ ऑफ अल्फा इमिटर एंड एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये ऑप्शन फोर राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सचेंज फोर्स, कौन सा फोर्स इसमें एक्सचेंज फोर्स नहीं है? पहला है हाइजेनबर्ग फोर्स, सेकेंड बार्नेट फोर्स, थर्ड वैगनर फोर्स एंड फोर्थ मैगोर्ना फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू मी वैगनर फोर्स शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन थ्री। आगे बढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इज 5 years, द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेड आफ्टर 20 years। सो गाइज, हियर हाफ लाइफ इज गिवन 5 years एंड डिके इज आस्किंग आफ्टर 20 years। सो इट विल डिके अराउंड 4 हाफ लाइफ टाइम, डैट इज 1/2, 1/4 and 1/8। सो आफ्टर 4 years इट विल बिकम 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, डैट इज 1 - 1/16, 15/16। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द पार्टिकल नॉट ए बोसॉन, ऑप्शन प्रोटॉन, म्यूऑन, पायन एंड कैन। सो ऑप्शन वन, प्रोटॉन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज प्रोटॉन इज अ बेरियन। आगे बढ़ते हैं। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द कूलेंट्स आर यूज टू एब्जॉर्व न्यूट्रॉन्स, रॉन्ग। टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, रॉन्ग। टू रिमूव हीट फ्रॉम रिएक्टर को, यस। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें हीट को रिमूव करना होता है। आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट 60 इज यूज इन हॉस्पिटल एंड हैविंग हाफ लाइफ टाइम 5.25 years। आफ्टर यूज ऑफ ए सर्टेन पीरियड इट्स एक्टिविटी फाउंड टू डिक्रीज फैक्टर ऑफ 8। हाउ इज ओल्ड द सैंपल? सो हियर वी कैन सी डैट हाफ लाइफ टाइम इज गिवन 5.25 years एंड एक्टिविटी डिक्रीजेज अराउंड 8। सो आई थिंक इफ वी टेक एन नॉट इज इनिशियल अमाउंट, सो इट बिकम्स एन नॉट बाई ए आफ्टर 3 हाफ लाइफ टाइम्स ईयर। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस 3, इट विल बिकम 15.75 ईयर। सो ऑप्शन वन विल बी द राइट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीएचयू में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बट हम लोग के माइंड में ये रहता है कौन सा ट्रू है और हम लोग गलत मार्क करके चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 2-3 क्वेश्चन में, तो आप इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज पीक एट लो मास न्यूक्लियर, ये सही है। आफ्टर दीज पीक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज मोनोटोनिकली एंड रीचेज एट मैक्सिमम, ये भी सही है। आफ्टर रीचिंग एट मैक्सिमम देर इज नो वेरीज, नहीं ये रॉन्ग है।
अगर आप प्लॉट देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद ये स्लो बट स्टडी डिक्रीज रेट से डिक्रीज होता है, जैसा कि ऑप्शन फोर में दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री रॉन्ग है, आफ्टर रीचिंग एट मैक्सिमम देयर इज नो वेरिएशन। सो गाइज आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और बने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाले दिनों में सारे के सारे BHU के प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।